हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन कल अपन लोग क्या पढ़े थे, पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक पढ़ रहे थे। बेसिक पढ़े थे यानी डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये यूनिक टेंजेंसी कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिक टेंजेंसी को कंजर्व करती है, इस पे हमने बात किया था। फिर हमने एक और ऐसी बात किया था कि ये आती क्यों, यूनिक टेंजेंसी की बात आया कहां से था, तो राइट सेकेंड और लेफ्ट सेकेंड, सेकेंड CSECENT सेकेंड की बात कर रहा हूं। तो राइट सेकेंड यानी राइट साइड की और लेफ्ट साइड की जो दोनों लाइन थी वो जिस दिन दोनों सेम हो जाती थी, लेफ्ट और राइट वाली, तो उस दिन पे आपका वो जब सेम हो जाएंगे तो वहां पे वो टेंजेंट बन जा रहा था। तो इस पे बात कर रहे थे, और राइट वाले को RHD बोल रहे थे और लेफ्ट वाले को LHD बोल रहे थे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से था, राइट हैंड साइड का स्लोप था। इसके बाद से आपका सेकेंड हमने बात इसके बाद से बोला था आपसे कि डिफरेंशियल कोफिशियंट का एक नाम दिया था, बाकी हमने फार्मूला आपका दिया था, एक तीन फार्मूला दिया था। कौन सा फार्मूला? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मैं ये जरा उस फार्मूले को लिखता हूं, क्या क्या फार्मूले था। LHD का फार्मूला हमने लिखा था, क्या था? लिमिट एक्स एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। RHD का फार्मूला हमने दिया था, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन प्लस एच। और फिर हमने एक रामबाण, याद होगा आपको, रामबाण फार्मूला था जो एफ डैश ए इक्वल टू मैंने लिखा था लिमिट एच टेंडिंग टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए प्रोवाइडेड, ये लिखा गया था इसमें नीचे आपको और कि प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। इतनी बातें हमने अभी तक करा था। अच्छा, ये तीन फार्मूले के बाद मैंने क्या बोला था कि ये जो दो फार्मूले हैं आपके, ये दो फार्मूले वो हो गए कि आपको ये फार्मूले मैक्सिमम जगह काम कर जाएंगे। जहां काम नहीं करेगा कोई भी चीज, वहां हम इस रामबाण, जो ये रामबाण था ना, इसको हम अप्लाई करेंगे, या इसको हम बोलते संजीवनी है, ये संजीवनी ये आपको हर जगह काम कर जाएगी। इसके बाद हमने एक और आपको पॉइंट लिखाया था, बड़ा ही काम का मैंने पॉइंट एक लिखाया था कि आपका अगर LHD हमने निकाला, मान लो हमने LHD निकाला और वो L1 आया, RHD निकाला वो L2 आया, और अगर ये L1 नॉट इक्वल टू L2 होगा तो पक्की बात है कि ये नंदू हो जाएगा, यानी नॉन डिफरेंशिएबल। क्या बन जाएगा? नंदू हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। बट लेकिन मैंने एक और बात कहा था, आखिरी एग्जांपल भी हमारा यही था, मतलब लेक्चर का आखिरी, जो आखिरी में जो पहला एग्जांपल हमने लिया था वो भी आपका यही था, क्या आपका कि बट एक और बात मैंने कहा था कि अगर ये फाइनाइट है, क्या है ये? फाइनाइट है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल तो है, बट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस जिस भी पॉइंट पे चेक किया जा रहा है, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये आखिरी पॉइंट था, बहुत ही काम का पॉइंट था। इसी के बाद हमने फिर आपको पूरा पढ़ाया था, क्या चीज, आपको पूरा एग्जांपल लास्ट में कराया था, 1 प्लस fx इक्वल टू कुछ 1 प्लस 2x और कुछ 4x² - 1 वाला x इक्वल टू 1 पे, तो वो आपको आया था कि उसका हमने ग्राफ भी आखिरी में बना के दिखाया था। अब आते हैं कुछ और थोड़े सवालों को, थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम समझते हैं कि ये डिफरेंशिएबिलिटी का एक्चुअल में फील कैसे आएगा, क्या डिफरेंशिएबिलिटी कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ लेने से, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से काम नहीं चलने वाली है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको करते हैं और सवाल लिखते हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूं आपके सामने कि चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इक्वल टू मॉड ln x एट x इक्वल टू 1। तो इसका सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं कि जो fx है उसको डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि जब भी मॉड आएगा तो पहला काम अपना होगा डिफाइन करना। क्या कहेंगे कि ये पूरा ln x एज इट इज खुले गया या एक बाहर में माइनस देगा, कब? डिपेंड करेगा ln x की वैल्यू पॉजिटिव है या ln x की वैल्यू नेगेटिव है। ln x की वैल्यू क्या, log x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर आपको ग्राफ याद हो तो log x का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे
ऐसे ग्राफ होता है। और जरा देखो ये आपको होता है x इक्वल टू वन, तो वन से आगे log x की जो वैल्यू है वन से आगे पॉजिटिव है और वन से जीरो से वन के बीच में यानी वन से पूछे निगेटिव है। तो जब आपका ये निगेटिव होगा उस केस में लॉग की वैल्यू निगेटिव होगी तो उसके से माइनस खुलेगा, पॉजिटिव होगा तो ये खुलेगा। अच्छा जब भी ये लिखो लेकिन इधर में ये नहीं होना चाहिए, इधर में तो x की वैल्यू होनी चाहिए। तो पहले इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कैसे कि ln x बोलो लॉग का अगर उधर भेजूंगा तो लॉग का बेस एक से ज्यादा, बता चुका हूं कि लॉग का बेस क्योंकि ln का मतलब लॉग बेस की है, अगर एक से ज्यादा बेस होता है तो आपका इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो यह बन जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू e की पावर जीरो, और यहां से ln x करोगा तो ये हो जाएगा माइनस ln x में ये हो जाएगा x लेस देन e की पावर जीरो, पर कितना जीरो, जीरो से बस बड़ा, क्योंकि इसको इसका जो बिल्कुल जो डोमेन है वो जीरो से इंफिनिटी होता है। तो आप देख लो लॉग का डोमेन जीरो से इंफिनिटी, तो ये f ऑफ x की वैल्यू हो गई इस केस में। अब आपका ln x, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, ln x माइनस ln x जब आपका x की वैल्यू जीरो से वन के बीच में है। सवाल ने क्या बोला है, किस पे चेक करना है, सवाल ने अपने से बोल रखा है कि हमको चेक करना है x इक्वल टू वन पे। तो देखो अब हम इधर चेक करने वाले हैं x इक्वल टू वन पे LHD और RHD निकालने वाले हैं। मैं ये फार्मूला थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूं, मैंने ये फार्मूला दिया हटा, अब हम LHD RHD निकालने वाले हैं इसी के लिए। देखो जब LHD की बात की जाएगी तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे लिमिट, क्योंकि फार्मूला हमको अच्छे से याद होना चाहिए, लिमिट a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस एच। यहां बताओ a की वैल्यू कहाँ है, क्या है, वन, क्योंकि वन पे चेक की जा रही है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ वन माइनस एच माइनस f ऑफ वन अपॉन माइनस एच। बताओ वन माइनस एच का मतलब एक से कम, यहां जरा देखो एक से कम की वैल्यू किस पे आएगा, नीचे वाले में कि ऊपर वाले में, किसमें पुट होगा, तो नीचे वाले में पुट होगा, किसमें पुट होगा, नीचे वाले में। तो फंक्शन में आपका पुट हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो माइनस ln वन माइनस एच माइनस वन, वैल्यू कहां पुट होगी, ऊपर वाले में, क्योंकि x इक्वल टू वन वहां पे है। तो ln वन अपॉन माइनस एच, जरा बताओ तो क्या वैल्यू हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो माइनस ln वन माइनस एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच। याद करो ln वन प्लस एक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता है, याद करो ln 1 प्लस x अपॉन x, अगर x टेंडिंग टू जीरो होता है तो उस केस में इसका आंसर कितना हम लिखते हैं, 1। तो बताओ जरा देखो माइनस एच जो है वही यहाँ पे भी है क्या, वन माइनस एच यहाँ भी है, वन माइनस एच यहाँ भी है, या लॉपिटल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें कोई प्रॉब्लम है, लॉपिटल लगा लो या स्टैंडर्ड लिमिट लगा लो कि माइनस एच यहाँ भी है तो माइनस एच यहाँ भी है। तो इसकी वैल्यू हो गई ln वन माइनस एच अपॉन माइनस एच की वैल्यू हो गई 1, पहले से माइनस लगा है इसकी वैल्यू आ गई 1, यानी पहले आ गया LHD अपना आ गया, LHD आ गया माइनस 1, LHD समझ में आ गया, LHD आ गया माइनस 1। अब हम यहीं पे LHD निकालेंगे, अपना उस फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या हम कर सकते हैं थोड़ा सा ऊपर में हम फंक्शन डिस्टर्ब कर रहे हैं, LHD अपना आ चुका है माइनस 1। अब जरा निकालेंगे RHD के बारे में, जरा अब देखो RHD निकालेंगे अपना, अगर RHD निकालें RHD का फिर से हम फार्मूला लिखेंगे, RHD इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस h, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, हमको 1 पे चेक करना है तो 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h हो जाएगा। ये क्या हो गया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ 1 प्लस h, 1 से ज्यादा, 1 प्लस h का मतलब 1 से ज्यादा, देखो तो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यानी ये हो जाएगा आपका ln 1 प्लस h माइनस ln 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 इसी में पुट होगा, नीचे में 1, ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस h अपॉन h। जरा बताओ तो बच्चों क्या हो गया, देखो 1 प्लस सेम अपॉन सेम, 1 प्लस सेम अपॉन सेम, मतलब जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, इस पूरे का लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जरा बताओ तो RHD कितना आया,
RHD आया 1, LHD कितना आया, ये आया -1, क्या LHD बराबर RHD है, LHD नॉट इक्वल टू RHD क्लियरली, तो इसलिए हम क्या बोल लेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल नंदू, बट बताओ क्या ये फंक्शन LHD और RHD अगर बराबर है तो उस केस में एक बात बताओ, क्या LHD और RHD बराबर नहीं है, लेकिन एक बात है कि LHD और RHD दोनों ही फाइनाइट नंबर है, क्या है, फाइनाइट है, और अगर फाइनाइट है तो LHD बराबर भी फाइनाइट है, RHD बराबर भी फाइनाइट है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर कॉन्टिन्यूअस एट x=1, x=1 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया, लेकिन क्या हम इसको ग्राफ बना के दिखा सकते हैं, तो बिल्कुल दिखा सकते हैं, देखो हम ग्राफ आपको बना दे रहे हैं, ग्राफ कैसे बनता है वो आपको बता दे रहे हैं, देखो ग्राफ अगर हम ग्राफ बनाए तो कैसे ग्राफ बनेगा, हमको किसका ग्राफ बनाना है, y=ln(x) के मॉड का, तो कैसे बताया गया था ग्राफ कि भाई पहले आप ln(x) का ग्राफ बना लो, पहले मतलब फंक्शन का ग्राफ बना लो, और फंक्शन का ग्राफ जो बन रहा है उसमें नीचे वाले ग्राफ का x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज खींच लो, देखो ये मैंने मिरर इमेज खींच लिया, देखो ये मैंने मिरर इमेज खींच लिया x एक्सिस के अबाउट, ये रहा ये रहा, और जो ये ग्राफ बना है व्हाइट चौक से, ये है मॉड ln(x) का, ठीक है, ये ग्राफ है मॉड ln(x) का, तो इस ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है कि आपको एक कॉर्नर है, यहाँ पे चोंच निकली है, कॉर्नर निकली है, और इस जगह पे अगर मुझे टेंजेंट खींचनी होती तो हम देखो यूनिक टेंजेंट नहीं बनती, यहाँ पे इस कर्व के लिए टेंजेंट इधर से ये वाली आती, और इस पॉइंट इस यहाँ पे इसके लिए टेंजेंट इधर से ये वाली आ गई, देखो दो अलग अलग टेंजेंट, क्लियरली देखो तो लेफ्ट हैंड वाली का -1 आया है, मतलब ये देखो ये वाली लेफ्ट हैंड वाली का एंगल 135 डिग्री होगा, और राइट हैंड वाली का एंगल आपका 1 आया है, मतलब 45 डिग्री होगा, जो यहाँ पे 1 पे टेंजेंट बनाएगी, सोचो ये सवाल और भी कहाँ का हो गया, टेंजेंट नॉर्मल AOD के चैप्टर टेंजेंट और नॉर्मल का भी हो गया है सवाल, दूसरा आप क्लास 11th में भी ऐसे सवाल आप किए होंगे कि भाई आप स्लोप मिल गया, टेंजेंट मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह बाकी काम हम यहां से कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका कि LHD वाला पोर्शन ये है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ, इसका टेंजेंट की वैल्यू यहाँ पे थीटा की वैल्यू, वहां पे LHD की वैल्यू आई है -1, मतलब थीटा की वैल्यू 135 डिग्री x एक्सिस के साथ, बाकी ये सब बातें लेकिन है आपको कोऑर्डिनेट के लिए या AOD के लिए, तो मैं अभी इंटर रिलेट नहीं कर रहा हूं, बस जहां पे हूं उसी पे स्टिक हूं, तो आपको समझ में आ गया कि ये वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है बट कॉन्टिन्यूअस है, देखो लगातार अभी भी है, बात पकड़ में आ गई, ठीक है, जरा अगले सवाल के लिए बात करते हैं, ये सवाल आप आई होप आपसे बन गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा आप बात करते हैं, आ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल यही सवाल है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, मैंने थोड़ा सा बदल दिया, देखो होता क्या है सवालों में लोग करते क्या है, देखो क्या करेंगे कि आपको चेक, फिर से सवाल वही है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f(x=) पिछली बार मॉड था इस बार ln(x) का स्क्वायर, मॉड को किससे रिप्लेस किया, स्क्वायर से, और स्क्वायर से रिप्लेस करने के बाद डिफरेंशिएबिलिटी कहां पे चेक करने के लिए कर रहा है, x=1 पे, फिर से अगेन 1 पे, आ रही बात समझ में, फिर से जरा हम काम करते हैं, फिर से LHD RHD निकालते हैं x=1 पे चेक करने के लिए, देखो क्या हो जाएगा, LHD निकालेंगे, फार्मूला लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, डायरेक्ट लिख दूं, इस बार बर्दाश्त कर लोगे ना, बर्दाश्त हो जाएगा आपसे, बर्दाश्त हो गया क्या कि डायरेक्ट मैंने एक ही जगह पे 1 डायरेक्ट कर दिया, क्या होगा, क्या इसी एक ही अपने पास इस बार फंक्शन एक ही है, वही में पुट करेंगे, हमने पुट किया, ये हो गया ln(1) माइनस h का होल स्क्वायर माइनस ln का माइनस f ऑफ 1 का मतलब ln(1) अपॉन माइनस h, फिर क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln(1) माइनस h का पूरे का होल स्क्वायर माइनस 0 अपॉन नीचे में माइनस h, आप याद करो यहाँ पे एक माइनस h, अगर यहाँ पे अंदर में मैं एक लाइन और लिख देता हूं ताकि आपको दिमाग में क्लियर बैठे,
यहाँ पे वन माइनस एच है, इसकी वैल्यू वन हो जाती है अगर नीचे माइनस एच होता तो। मैं माइनस एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, देखो ऐसे कर दिया, ऐसे अपॉन में माइनस एच इज इक्वल टू ये माइनस एच का स्क्वायर। देखो ये लिमिट में हमने खूब ऐसा काम किया हुआ है, ये तो माइनस एच का स्क्वायर बाहर हो गया, वन माइनस एच अपॉन माइनस एच यहाँ हो गया का स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच, एक एच से एच कट गया। अब जरा लिमिट पुट किया, लिमिट पुट करते ही इस पूरे की वैल्यू तो वन का स्क्वायर आ गया इनटू वो माइनस जीरो आ गया, आंसर जीरो हो गया। बोलो एलएचडी की वैल्यू जीरो समझ में आया, एलएचडी की वैल्यू कैसे जीरो हो गई? बस यहाँ पे वही जो है, यहाँ पे वही चीज हमने बना रहे हैं यहाँ पे। या दूसरा भी काम कर सकते थे क्या, डीएल लगा सकते थे, दूसरा काम क्या कर सकते थे, डीएल लगा सकते, डीएल लगाने पे भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है फर्दर, अब आज जरा आप बात करते हैं, ये तो एलएचडी निकाला, अब क्या निकालेंगे हम, अब क्या निकालना चाहिए हमको एलएचडी के बाद, आरएचडी, आरएचडी निकालते हैं बच्चों। देखो आर एच डी अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, फिर से मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं, एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। लिमिट फंक्शन एक ही है इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है, एल एन वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एल एन वन अपॉन एच। क्या हो गया बच्चों जरा देखो तो, h टेंडिंग टू जीरो, क्या इसमें यहाँ तो ये जीरो हो गया, यहाँ पे ln 1 प्लस h का अपॉन h का होल स्क्वायर यानी h स्क्वायर से नीचे डिवाइड किया हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दो h स्क्वायर से, माइनस जीरो अपॉन h, एक h से एक h कट गया। अब जैसे ही मैंने लिमिट पुट किया तो ये तो वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो 1 स्क्वायर इंटू जीरो आंसर हो गया जीरो। क्या इस बार LHD इक्वल टू RHD आ गया क्या बच्चों? अरे वाह शाबाश, तो आपका क्या हो गया फंक्शन, तो इसलिए दयाराम हो गया, मतलब इसमें दया हो गया, डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल। देखो क्या क्या मतलब खतरनाक बात क्या है कि मॉड लगाया तो वन पे नॉन डिफरेंशिएबल आया, कंटिन्यूअस तो था लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल आया, मॉड हटा के स्क्वायर कर दिया तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो गया वन पे। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ग्राफ कैसे दिखेगा, देखो मैं छोटे से जगह में ग्राफ दिखाता हूं आपको, इतने में ग्राफ दिखाता हूं कि ग्राफ कैसे इसका बनेगा, आपको समझ में आ जाएगी कि होता क्या है ग्राफ में, क्या होता क्या एक्चुअल में। देखो ये है, ये है, ये आपका एक्स है एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एल एन एक्स का ग्राफ आपका चलेगा कुछ ऐसे, ये आपका एल एन एक्स का है। अगर एक्स का स्क्वायर करते हैं ना, जब किसके इसके वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो होता क्या है कि आपकी ये वाला ग्राफ ऐसे ही तो जाता, तो यही है जाता, तो ऐसे ही है, यहीं पे ऐसे ही जाता है, लेकिन यहाँ पे कोना होने की जगह वजह ये स्मूथ मुड़ जाता है, तभी तो यहाँ पे एक सिंगल एक टेंजेंट, ये एक्स इक्वल टू, देखो टेंजेंट जीरो आया है, देखो LHD ध्यान से देखो, LHD और RHD दोनों की वैल्यू जीरो आई है, मतलब LHD का जीरो का मतलब tan थीटा की वैल्यू जीरो, और tan थीटा का मतलब जीरो का मतलब क्या होता है कि थीटा इक्वल टू जीरो, और थीटा जीरो होने का मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन, क्या tan थीटा इक्वल टू जीरो मतलब थीटा बराबर जीरो मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई है, और ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल देखो यहाँ पे ये वाली, यही आपका x एक्सिस ही इसका आपका बन गया टेंजेंट। और देखो वही होता भी है कि यहां से ऐसे आया, मॉड होता तो यहाँ पे नुकीला बनता, लेकिन ये इसकी होने की वजह से ये थोड़ा सा ये, और वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मतलब वैल्यू थोड़ी ऊपर चली जाएगी, यहाँ के बजाय इसके आने की वजह थोड़ा ऐसे निकलेगा ऐसे, क्योंकि थोड़ी जितना स्क्वायर करेंगे उतनी वैल्यू थोड़ी तेजी से बढ़ेगी, थोड़ा सा इसके ऊपर से जाएगा ऐसे। ये एल एन एक्स का है तो ये एल एन एक्स के स्क्वायर का है, बात समझ में आया? जरा देख लो, स्क्वायर करते ही जहां पे नुकीला हो रहा था, जहां पे ऐसे हो रहा था, वहां पे ऐसे स्मूथ हो गया, यही होता है एक्चुअल बात। जब स्क्वायर ही नहीं, डिग्री 4 करेंगे, डिग्री 6 करेंगे, डिग्री 8 करेंगे, तो जब नीचे से ऊपर जाता है तो नुकीला नहीं बनता है, वहां पे स्मूथनेस बनती है जब इवन डिग्री होता है, तो बस यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, मेन बात है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किसका किसका, मॉड एल एन एक्स का और एल एन एक्स स्क्वायर के दोनों का सवालों के करने का तरीका। ठीक है, अब जरा सा हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपके सामने मान लो किसी ने दे दिया कि चेक डेरिवेटिव, चेक डिफरेंशिएबिलिटी, चेक डिफरेंशिएबिलिटी
एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। अगर ये सवाल दे दिया तो पहले फिर से मॉड देखते हैं आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि मॉड आया है तो पहले मैं मॉड को ओपन करूंगा ना कि डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। ये नहीं कि जबरदस्ती हम लगाया जा रहे हैं कि नहीं माइनस की तरफ से आएगा तो मॉड है तो पॉजिटिव कर दिया तो ठीक है इसकी वैल्यू जीरो हो गया, तो निगेटिव की साइड से तो भी मॉड ये फर्क नहीं पड़ रहा है माइनस कर दिया। अरे ऐसा नहीं होता है बच्चे, ऐसा नहीं होता है। इसको क्लियरली मॉड को ओपन करो, दिमाग में जब जबरदस्ती कंफ्यूजन मत रखो कि नहीं हम जानते हैं कि मॉड पॉजिटिव देता है तो हम ऐसे ऐसे करें, उसी में जबरदस्ती दिमाग में लगाए पड़े हो, ऐसा नहीं, ऐसा मत करना, बिल्कुल मत करना। क्या करना, इसको पहले मॉड को ओपन करें, क्लियरली लिख लेना दोस्त, आपका 10 सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा लिखने में, कैसे लेकिन आपके बाकी टाइम बच जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपने सवाल सही किया है। कैसे कि भाई अगर एक्स, अगर प्रॉब्लम तो इस एक्स को है तो अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो ई की पावर ये वाला एक्स पॉजिटिव खुलेगा तो प्लस एक्स खुलेगा, और अगर एक्स निगेटिव होगा तो ये वाला एक्स माइनस खुलेगा, तो इसके बाद से ये जो एफ एक्स है वो e की पावर माइनस एक्स होगा अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, और e की पावर x होगा जब x लेस देन जीरो है। अब इसके बाद से एलएचडी आरएचडी निकाल देते हैं, क्या करेंगे इसके बाद एलएचडी आरएचडी निकालेंगे, एलएचडी निकालेंगे लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, कहां पे निकालना है एलएचडी, पहले एक फार्मूला फिर से लिख लेते हैं, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, कहां पे निकालना है भैया एलएचडी, x इक्वल टू जीरो पे, जीरो पे तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h माइनस f ऑफ जीरो अपॉन h, ये आपका फर्दर माइनस h, सॉरी बहुत बहुत मुआफी चाहिए अपने को, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, बोलो जीरो से पीछे, मतलब अगर x लेस LHD का मतलब होता है h x की वैल्यू जीरो से पीछे, जीरो से पीछे की बात की जा रही है, कौन सा e वाला फंक्शन e की पावर x लिया जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस एच माइनस, अच्छा e की पावर जीरो ऊपर वाले में पुट होगा क्योंकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो यहाँ पे लगा है, तो e की पावर आपका यहाँ पे सॉरी ये क्यों मैं लिखा हूं e की पावर, हाँ तो माइनस एच पुट होगा नीचे वाले में, और ये हो गया ये हो जाएगा माइनस ऑफ जीरो नीचे वाले में, आपका नीचे आपका माइनस एच पहले से ही है तो क्या बन गया, ये क्या हो गया ये जरा बताओ, क्या ये लिमिट h टेंडिंग टू जीरो आपका e की पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच। आप याद करो फिर से एक स्टैंडर्ड लिमिट याद करो, तो उस स्टैंडर्ड लिमिट को लिखने से पहले मैं जरा इसको हटा के इसी बोर्ड पे लिखने के थोड़ा कंजूसी करना चाहता हूं, तो कंजूसी के लिए h टेंडिंग टू जीरो e की पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच यहाँ पे है, आपका एक स्टैंडर्ड लिमिट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, फिर से आपको स्टैंडर्ड लिमिट दिखा रहा हूं। देखो दुनिया में सब लोग हमारी तरह नहीं करते, क्या करते हैं लोग कहते हैं कि सर क्यों आप दिमाग खराब किए पड़े हो, यहाँ पे डायरेक्ट आप क्यों नहीं डीएल लगा ले रहे हो, लेकिन मैं क्या कहता हूं कि डीएल आपके लिए छोड़ देता हूं, कि डीएल आप तो लगा के कर सकते हो लेकिन आप एक्स्ट्रा भी कुछ जानो कि हाँ अगर कभी हम फंस गए तो अगर डीएल से काम नहीं बना तो कैसे उस चीजों को हम सॉल्व करेंगे उसमें लगाएंगे, यानी कैसे उन चीजों को स्टैंडर्ड में फिट कैसे करेंगे, हमारा ये मकसद होता है। अदरवाइज डीएल तो आप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है स्टैंडर्ड लिमिट की लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ई की पावर सेम बाई सेम बताया था मैंने स्टैंडर्ड लिमिट में, ई की पावर सेम बाई सेम, सेम टेंडिंग टू जीरो वैल्यू कितना हो जाती है वन, याद है। अरे ये वाला भी था जी बच्चों, क्यों बोल रहे हो, a की पावर x माइनस वन अपॉन x की वैल्यू ln a, ये भी तो था वहीं पे, लेकिन अपने को तो ऊपर वाले की जरूरत है, तो ऊपर वाला मतलब वो ऊपर वाला मत समझ लेना यार, यहाँ पे ऊपर वाला मतलब ऊपर वाले लिमिट की जरूरत है, तो क्या हो गया देखो, तो यहाँ पे माइनस एच है नीचे भी माइनस एच है माइनस वन है सब कुछ एकदम फिट करके दे रखा है, तो एल एच डी की वैल्यू हो गई वन, शानदार। यार आर एच डी निकाला जाए, आर एच डी इस बार मैं डायरेक्ट फार्मूला निकाल रहा हूं क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करना है, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन प्लस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस h किसमें फुट होगा ऊपर वाले में, देखो तो जीरो प्लस h, ये हो जाएगा आपका e की पावर माइनस h
प्लस माइनस ऑफ e की पावर जीरो अपॉन ये माइनस जीरो अपॉन नीचे में h है, जरा देखो तो क्या हो गया ये, मैं एक लाइन और लिख रहा हूं यहाँ पे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो e की पावर माइनस h माइनस वन अपॉन h। एक बात बताओ, अरे मैंने कहा कि e की पावर सेम बाय सेम होता तो वैल्यू आपकी वन हो जाती, पर सेम नहीं है तो क्या किया जाए, एक माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, क्या देखो तो बैलेंस हो गया। अब इस पूरे की वैल्यू वन इंटू माइनस वन, आंसर हो गया माइनस वन। क्लियरली जरा देखो तो एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, यानी नंदला वो आपका नंदू हो गया, नंदू होने के बाद लेकिन बट बताओ कॉन्टिन्यूस की डिसकॉन्टिन्यूस, बट कॉन्टिन्यूस कहां पे, एट x इक्वल टू जीरो। पर इसके जस्ट अगले मिनट में आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर आपने तो सब बता रहे हो, ठीक है हमने निकाल भी लिया, देख भी लिया कि नॉन डिफरेंशिएबल है, इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या? तो मैं आपको साथ साथ ग्राफ भी सिखा रहा हूं, मन करे तो देखो, मन करे तो मत देखो, ध्यान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, लेकिन आपको ग्राफ अगर आ रहा है तो आपको फील आती है कि हाँ ये चीज हुई है। e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे कैसे, देखो मैं एकदम सिस्टमेटिक ग्राफ कोशिश करूंगा कि बनाने का। सबसे पहले e की पावर हमको बनाना है, e की पावर माइनस एक्स का हमने दिमाग में लगा लिया, e की पावर माइनस एक्स का पहले दिमाग में लगाएं, दौड़ाएंगे कि कभी ना कभी ये e की पावर एक्स रहा होगा, जब e की पावर एक्स जैसे एफ एक्स इक्वल टू e की पावर एक्स रहा होगा, ठीक है। फिर हमने यहां पर डाला होगा एफ ऑफ, क्या किया होगा, एफ ऑफ आपका माइनस एक्स करेंगे, नहीं एफ ऑफ मॉड एक्स किया गया होगा, या ये की पावर माइनस एक्स रहा होगा, क्या रहा होगा, मैं कहता हूं ई की पावर माइनस एक्स रहा होगा। तो फिर इसमें एफ ऑफ ई की पावर एफ ऑफ मॉड एक्स किया गया, मतलब ई की पावर माइनस मॉड एक्स हो गया। और आपको बताया था कि पहले एफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं और अंदर में मॉड लगाना होता है, तो क्या करते हैं, अंदर में मॉड लगाना होता है तो कैसे बनाते हैं कि राइट साइड का ग्राफ बना लेते हैं और उसी का मिरर इमेज लेफ्ट साइड कर लेते हैं। याद करो, अंदर में मॉड होता है तो राइट साइड का ग्राफ बनाते हैं और उसी का मिरर इमेज लेफ्ट साइड में बनता है। तो पहले बताओ e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा क्या, यह हो गया e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। लेकिन क्या कह रहा है कि अपने को मॉड एक्स चाहिए, तब क्या कह रहा है कि पहले राइट साइड का सिर्फ ग्राफ बनाएंगे और इसी का मिरर इमेज लेफ्ट साइड में खींच देंगे। देखो इसका मिरर इमेज देख लो, यहां पूरे तक देख लो बच्चों, इसी का मिरर इमेज लेफ्ट साइड में खींच दिया गया, दिख रहा है, जो ये आपको पिंक वाला जो चौक से खींचा जा रहा है, यही वाला चौक जो यही वाला जो ग्राफ है, यही e की पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ है जो इससे लिखा गया है, व्हाइट वाला e की पावर सिर्फ माइनस एक्स का है। अब आप देखो तो ये आपका एक्स इक्वल टू जीरो है, अब देखो तो ये एल एच डी के साइड लेफ्ट हैंड साइड में ये है और राइट हैंड साइड में ये है, अगेन देखो तो दिमाग दौड़ाओ तो ये देखो एल एच डी की वैल्यू वन आई है क्या, देखो तो सवाल में आपने सोल्यूशन बनाया एल एच डी की वैल्यू वन आई है क्या, कि देखो तो ये थीटा की वैल्यू 90 से 90-45 डिग्री के आसपास है ये, और ये देखो तो माइनस वन आई है क्या आर एच डी की वैल्यू, देखो तो ये 135 डिग्री माइनस वन आई है क्या, देखो फिर से आपको मिला कि हाँ लेकिन आपका ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, बात पकड़ में आ रही है। और कैसे पता चल, हमने कैसे पता कर लिया कि फाइनाइट था, मतलब वहां पे ग्राफ था, एल एच डी आर एच डी निकाला, फाइनाइट था मतलब वहां पे ग्राफ था, तो इसलिए आपका ये वैल्यू आ गई एल एच डी आर एच डी से कॉन्टिन्यूस, ग्राफ से भी देख लिया कॉन्टिन्यूस, बात समझ में आ गई। दरअसल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं वजह से मान लो कि अभी हमने बेसिक सवाल खूब कर लिया, काफी सवाल कर लिया, अब थोड़ा सा हटके एक और अगले सवाल की तरफ मैं बात कर रहा हूं कि अगला सवाल किस टाइप से हम लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा हटके है इसलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए टाइम दे रहा हूं कि सोचने के लिए कि हाँ कुछ तो होगा इन सवालों में, कुछ तो सर कुछ बोलने वाले होंगे, और है अभी भी बेसिक ही सवाल। लाइक अगर मैंने लिखो सवाल कि इफ आपके सामने दिया दे रहा हूं कि एफ एक्स कोई फंक्शन है फाई एक्स, ये किसी भी किताब में ये सवाल आपको मिल जाएगा या ऐसे सवाल मिल जाएंगे कि एफ एक्स इक्वल टू फाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन एंड फाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस है, देन मान लो सवाल कह रहा है कि देन फाइंड एफ डैश ए प्लस, देखो एफ डैश ए प्लस की वैल्यू आपको फाई ए के टर्म में आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको फाइंड करना है एफ डैश ए प्लस।
तो पहले इस सवाल को जरा सा हम सोचना चाहते हैं, हम जरा इस सवाल में थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्ट का मतलब अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इन्वेस्टमेंट का मतलब है टाइम। यहाँ पे हम कुछ अपना टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि फाइव एक्स कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू ए पे। तो अगर ये बात होती है सोल्यूशन, पहली बार मतलब ऐसे बड़ा कम होता है कि मैं सोल्यूशन लिखता हूं, तो सोल्यूशन है कि फाइव एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कहां पे कॉन्टिन्यूअस है बच्चों, एक्स इक्वल टू ए पे। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइव ए प्लस फाइव ए माइनस इक्वल टू फाइव ए, ये सब के सब क्या हो गए, फाइनाइट। इनकी वैल्यू क्या हो गई, फाइनाइट। ये फाइनाइट वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इस सवाल के लिए तो है ही, अगर आप ध्यान से देखो। अदरवाइज आंसर तो सब ले आ देंगे, आंसर तो इसका लाना कोई बड़ी चीज नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट समझना है कि इसमें क्या था, इस सवाल में मूल क्या था। अब आपसे एफ डैश ए प्लस पूछा जा रहा है, एफ डैश ए प्लस, इसका मतलब दुनिया इसको बोलती है कि आरएचडी की बात की जा रही है, आरएचडी की बात की जा रही है। तो हम चाहे तो लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो आपका एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, इसकी बात की जा रही है। जरा देखो बच्चों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अब एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू, क्या फाई ए प्लस एच हो जाएगा इनटू आपका मॉड में, मॉड को इस बार मैं नहीं खोला, सोच रहे हो कि सर इस बार क्यों नहीं खोले, कोई बात नहीं इस बार नहीं खोला, एक बार के लिए माफ कर देना, बिना खोले भी काम चल जाएगा। लेकिन यह हो जाएगा आपका ए प्लस एच माइनस ए और माइनस एफ ऑफ ए, ए की जगह पे पुट हो जाएगा फाई ऑफ ए इंटू मॉड ए माइनस ए अपॉन एच। ठीक है बच्चों, एक और फिर आगे आखिरी बात, फाई ऑफ ए प्लस एच इंटू ए से ए कट गया मॉड एच माइनस जीरो अपॉन एच। एक बात आप जानते हो ना कि जो h होता है, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो h होता है, h हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव, h इज वेरी स्मॉल या बहुत ही छोटा रहता है लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहता है। तभी तो हम कह पाते हैं कि ये किसी में जुड़ता है तो हम कहते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, और जब घटता है तो हम कहते हैं कि पीछे बढ़ते हैं, तभी तो कहते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज खुल जाएगा। अभी भी कहोगे सर अभी तक कौन सा आपने तीर मार लिया, अभी तक हमने तीर मारा ही नहीं है, h अपॉन h बोले इतना तो हम भी कर रहे थे, सर इतना टाइम का बर्बाद किया आपने। तो अभी देखो टाइम हमने बर्बाद किया बस इसी वर्ड के लिए। अगर ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता फाई, तो यहाँ पे h पुट करने से इसकी वैल्यू, अगर किसी ने फाई a लिखा होगा तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कह दूंगी एक्सप्लेन कैसे करना है या कैसे आपने फाई a लिखा, तो आप तभी लिख सकते हैं फाई a h टेंडिंग टू जीरो पुट करने के बाद, क्योंकि फंक्शन फाइनाइट था, यहाँ फाइनाइट था। अदरवाइज अगर ये फंक्शन के बारे में कॉन्टिन्यूअस नहीं बोलता तो कभी भी हम ये चीज नहीं लिख पाते डायरेक्ट। बात समझ में आ रही है। इतना ही नहीं, अगर ये तो आपका आ गया रुक जाओ a प्लस, थोड़ा सा रुक जाओ, ये तो आपका आ गया f डैश a प्लस आपका फाई a की वैल्यू। अगर सपोज कि मैं आपको यहाँ पे x प्लस वन, देखो अभी सवाल आपका हो चुका है, आपने सवाल बना चुका हूं कि हाँ इसकी वैल्यू f डैश a की वैल्यू है, आंसर है फाई a। बट अगर ये सवाल यहीं पे, ये सवाल x माइनस a का स्क्वायर होता मॉड में, या मॉड में, वैसे मॉड में स्क्वायर देने का कोई मतलब नहीं होता इसलिए मैंने मॉड हटा दिया है, पर मॉड में अगर ये स्क्वायर होता उस केस में आपकी वैल्यू यहाँ, बाकी सब ऐसे ही रहता, यहाँ पे चलता, इधर क्या हो जाता, आप देखो इधर में ये सवाल क्या बन जाता है इस केस में, क्या यहाँ पे स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे स्क्वायर हो जाता और एक स्क्वायर से कटता यहाँ पे, तो स्टिल यहाँ पे एक एच रह जाता, देख लो बच्चों एक एच रह जाता। और इस केस में अगर ये फाई एक्स कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, यानी ये फाइनाइट नहीं होता, तो हम यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वैल्यू समथिंग फाई ए इंटू जीरो नहीं लिख सकते थे, क्योंकि आप अगर एच की टेंडिंग टू जीरो पुट करोगे तो जीरो हो गया, अगर इसके कॉन्टिन्यूअस नहीं दिया होता तो हमको नहीं पता है कि इसकी वैल्यू फाइनाइट हो रही है कि इनफाइनाइट हो रही है।
कोई आइडिया नहीं है, नई आइडिया तो यहाँ पे हम नहीं लगा सकते थे, और यानी फाइव ए इंटू जीरो नहीं लिख सकते। सपोज कि अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती तो उस केस में इनफाइनाइट इंटू जीरो अगेन एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता। आप कैसे आंसर निकालते, यानी कैसे आप लिखते कि जीरो हो रहा है, तो उस केस में इसकी वैल्यू हो जाती है जीरो, क्योंकि आपका फाइव ए फाइनाइट यानी कंटिन्यूअस दे रखा है। तो ये कंटिन्यूअस देना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आईआईटी सवाल होगा, आईआईटी के सवाल, तो आपका डायरेक्ट ये सब जीरो तो सब निकाल लोगे, लेकिन आईआईटी कभी भी इस बात को दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट या कांट बी डिटरमाइंड। बात पकड़ में आ रही है कि अगर ये इसके होने से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल का पूरा, मतलब इस पूरे सवाल का यही सबसे बड़ा, आपका ये सवाल का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि इसको देख के ही हम कह सकते हैं कि आगे जीरो होगा या पिछले वाले में एफ ऑफ ए होगा, ये फाइव ऑफ ए होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है इसी के ऊपर। बात पकड़ में आ रही है, अब जरा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ बच्चों, अपने नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लाइक आपको सवाल दे दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन दे दिया 1 माइनस 4x स्क्वायर का मॉड, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2x मान लो लिख दिया। ये आपका है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है GIF। ये तब है जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और ये तब है जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है। और सवाल ने बोला कि चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट, कहां पे चेक करने के लिए कह रहा है, एट एक्स इक्वल टू, मान लो मैंने कहा हाफ पे और एक्स इक्वल टू वन पे, ज्यादा नहीं दोनों पे, मैंने जानबूझ के लिया ऐसे हाफ और वन। मैं 3/2 भी ले सकता था, मैं एक्स इक्वल टू 3/2 भी ले रहा हूं, वो आपके लिए जिम्मेदारी है कि आपको चेक करना है एक्स इक्वल टू 3/2। इन तीन चीजों पर चेक करें, पहले हम चेक करते हैं एक्स इक्वल टू हाफ पे, पहले हम क्या से चेक करें x इक्वल टू हाफ पे। जरा बताओ कि क्या LHD और RHD निकालेंगे, LHD हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f हाफ डायरेक्ट लिख रहा हूं हाफ माइनस h माइनस f हाफ, हाफ हाफ मतलब हाफ बिल्कुल आधा अपॉन माइनस h। अब जरा बताओ कौन सा फंक्शन लेंगे, हाफ आधा से कम कहां पे है, ऊपर में है कि नीचे में, बताओ तो, कहीं तो नहीं दिख रहा है, नंबर तो कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन उसने कह रखा है कि जीरो से वन में ये वाला फंक्शन लेना है, और हाफ जीरो से वन के बीच में आता है, मतलब उनके कहीं बीच में आता है, एग्जैक्ट बीच में आता है, कोई और भी होता तो उनके बीच में आता है, बीच में है तो हम फंक्शन यही वाला लेंगे, यानी आधा से हाफ से जस्ट पीछे भी यही फंक्शन होगा और जस्ट आगे भी यही फंक्शन होगा। लेकिन हम तो अपने मेथड से चल रहे हैं, तो अपने को अभी आगे चल के जब अपने को थोड़ा सा इसका शॉर्टकट ढूंढेंगे तब अपन दूसरी भी बात करेंगे। तो हो जाएगा 1 माइनस 4 हाफ माइनस h का स्क्वायर माइनस हाफ, इसमें पुट किया 1 माइनस 4 इंटू 1/4 अपॉन माइनस h, कितना हो गया बच्चों h टेंडिंग टू जीरो, क्या हो गया यहाँ पे 1 मॉड में 1 माइनस, यहाँ पे जरा देखो तो 4 इंटू 1/4 माइनस प्लस h स्क्वायर माइनस h मॉड बंद माइनस 0 अपॉन माइनस h। क्या ये 1 से 1 कट गया क्या, कोई 1 से 1 कट रहा है, देखो तो 4 से 4 में से ये 1 से 1 कट गया जो बचा उसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ LHD के नाम पे लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, क्या बच गया है ऊपर में, क्या आपका 4 माइनस 4 h स्क्वायर और क्या बच गया है +4 h डिवाइड बाई माइनस h। क्या यहां से h कॉमन हो रहा है क्या बच्चों, जरा देखो तो h कॉमन हो गया, इनफैक्ट 4h कॉमन हो रहा है आई थिंक, देखो चलो हमने h कॉमन कर लिया, 4h को कॉमन कर रहे हैं, ये हो गया -4h - +4, कोई आपत्ति नहीं है। एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि मॉड ए बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, तो मैं अलग अलग कर देता हूं यहां से अलग अलग कर देता हूं, ये हो जाएगा आपका h mod into mod 4a minus 4h plus 4 upon minus h। जरा देखो तो बच्चों क्या आया,
क्या ये प्लस एच आपका निकल जाएगा बाहर, तो ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच इंटू माइनस फोर एच प्लस फोर अपॉन माइनस एच, ये इससे कट गया। अब लिमिट पुट किया ऊपर में, लिमिट पुट किया जीरो प्लस फोर अपॉन माइनस वन, यानी आंसर हो गया माइनस फोर। इसकी वैल्यू हो गई आपकी माइनस फोर। बात समझ में आ रही है। सेकेंड बात करते हैं आरएचडी पे। जनाब आरएचडी पे बात करते हैं बेटा, आरएचडी पे बात करते हैं। देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ हाफ प्लस एच माइनस हाफ प्लस एच माइनस आपका एफ ऑफ हाफ अपॉन डिवाइडेड बाई एच। जरा देखो तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ फिर से वही वन माइनस फोर इंटू हाफ प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस फोर इंटू हाफ का स्क्वायर मतलब वन बाई फोर, ये इससे कटा और वन से वन कट के जीरो हो गया, नीचे में एच हो गया। जरा देखो तो कितना दिया वैल्यू, ये मॉड मॉड वन माइनस फोर, ये क्या वन बाई फोर प्लस एच स्क्वायर प्लस एच, ये आया क्या यहाँ पे नीचे में आपका एच। एक देखो एक से एक कट गया है यहाँ पे माइनस फोर, एक एच हमने कॉमन भी ले लिया क्योंकि ऊपर हमने काम किया है, तो इस बार एक एच मॉड में बाहर ले लिया तो अंदर में बच गया माइनस फोर एच माइनस फोर अपॉन एच। ये वाला एच से एच से काट सकता हूँ, ऊपर मैंने कर चुका हूं मैं, तो ज्यादा उस पर अपना को फोर्स नहीं करना है। जैसे लिमिट पुट किया आंसर आया मॉड ऑफ माइनस फोर, और अगेन इसकी वैल्यू देखो मॉड ऑफ माइनस फोर जैसे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई फोर। जरा देखो तो एलएचडी क्या है, फोर माइनस फोर, और आरएचडी क्या आया बच्चों माइनस फोर प्लस फोर, क्या दोनों इक्वल है? क्या इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा, नॉन डिफरेंशिएबल। ऐसा लग रहा था कि ये तो यहीं पे है, ये कई फंक्शन है डिफरेंशिएबल हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, इस सवाल में ऐसा हुआ नहीं, ये फंक्शन क्या हो गया नॉन डिफरेंशिएबल। बात समझ में आई बच्चों, फंक्शन क्या हो गया नॉन डिफरेंशिएबल, फंक्शन आ गया नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे, एक्स इक्वल टू हाफ पे। अगर यही चीज, अब जरा देखो हमने तो हाफ पे निकाल लिया, अब कहां निकाला जाए वन पे, वन पे निकाल के दिखा देता हूं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसलिए वन पे निकाल रहा हूं। वन के बाद थ्री बाय टू पे आप निकालेंगे, तो वन पे देखो मैं निकाल रहा हूं कि वन पे कितनी इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम कहें क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं, हाँ वन पे एट एक्स इक्वल टू वन पे, तो आपका एलएचडी निकालने जा रहे हैं, क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो डायरेक्ट ले लेते हैं वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन माइनस एच। जरा बताओ तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कौन सा वाला फंक्शन आएगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, वन माइनस एच मतलब वन से कम ऊपर वाला, तो वन माइनस कितना हो जाएगा फोर इंटू एक्स के जगह पे, एक्स के जगह पे वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस आपका एक्स इक्वल टू वन इसमें पुट हो रहा है। देखो तो इस बार x इक्वल टू वन कहां पुट हो रहा है, इसमें पुट हो रहा है, तो x इक्वल टू वन हम इसमें पुट कर देते हैं। देखो x इक्वल टू वन हम इसमें पुट कर देते हैं, x इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन अपॉन नीचे में माइनस एच। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आ गया ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो गया वन माइनस फोर एच स्क्वायर प्लस एट एच। जरा दिमाग लगा लेना बच्चों, माइनस ये हो गया वन माइनस टू अपॉन नीचे में माइनस एच। जरा देखो तो ये कितना आया, यहां पे कितना आया, नीचे में कितना रह गया, वो नीचे में रह गया आपका, नीचे में रह गया यहाँ पे वन माइनस फोर आपका हो गया माइनस थ्री, और ये बाकी चीजें ये रह गई। अब जरा देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एच टेंडिंग टू जीरो, ऊपर में कितना माइनस थ्री प्लस एट एच माइनस फोर एच स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे वैल्यू वन माइनस टू, वन माइनस टू कितना आया माइनस वन, माइनस वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगेन माइनस वन, तो ये माइनस वन नीचे में माइनस एच। बढ़िया बहुत अच्छा, क्या वैल्यू हो गई ओवरऑल, ओवरऑल की वैल्यू कितनी हो गई जरा बताओ तो, ओवरऑल वैल्यू हो गई इस पे बच्चों कितनी हो गई, ओवरऑल वैल्यू अगर हम निकाला जाए तो ओवरऑल वैल्यू आ गई यहां से लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो आपका ये हो गया, ऊपर में आ गया। जरा देखा जाए तो ऊपर में माइनस तीन में से ये आपकी चीजें कम करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे, कितना भी कम कर ले तो वैल्यू क्या आपका माइनस थ्री, ये वाली चीज निगेटिव ही रहेगी क्या हमेशा, कितना भी कम कर ले निगेटिव रहेगी, तो एक माइनस खुल जाएगा, माइनस थ्री प्लस एट एच माइनस फोर एच स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वन, नीचे में माइनस एच था, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो क्या आया माइनस में, इसको हम माइनस तो ये तो प्लस लिख सकते हैं, तीन और एक ये चार हो जाएगा, चार प्लस एट एच माइनस एट एच प्लस फोर एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच। अब जरा देखो कुछ भी कर लें, ये जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट नहीं है, ये फोर बाय जीरो का फॉर्मेट है जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गया, तो यहीं से भी हम कह सकते हैं कि तो एलएचडी ही इनफाइनाइट फाइनाइट नहीं आया, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल हो गया बात। लेकिन ये तो हमने एलएचडी निकाला, जरा आरएचडी भी निकाल लिया जाए, जरा आरएचडी भी निकाल के एक बार चेक कर ही लिया जाए कि वैल्यू कितनी आ रही है। देखो मैं आरएचडी निकाल रहा हूं, इस फंक्शन का आरएचडी निकाल रहा हूं मैं भी, आप एक बार चेक कर लेना कहीं पे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं, आप एक बार चेक कर लेना। बाय द वे हम आप एलएचडी आरएचडी निकालने जा रहे हैं, आरएचडी निकालने जा रहे हैं बच्चों, देखो आरएचडी निकालेंगे, आरएचडी आरएचडी हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। क्या लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, वन प्लस एच कहां पुट होगा, इसमें पुट होगा क्या, वन प्लस एच का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस एच माइनस वही वन माइनस टू, सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूं अपॉन h। जरा बताओ कितना आ गया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, क्या वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में वन प्लस टू एच प्लस एच स्क्वायर माइनस टू प्लस माइनस टू माइनस टू एच, ये हो गया माइनस आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस वन अपॉन एच, देखो टू एच से टू एच कट गया, क्या दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या बचा बच्चों, देखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या बचा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो बच गया ओ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहां पे बच गया वन, वन माइनस टू माइनस वन बचा, प्लस एच स्क्वायर बचा, माइनस वन प्लस एच स्क्वायर बचा, माइनस माइनस प्लस वन हो गया, नीचे में प्लस एच हो गया। अब जरा सुनो यहां से, मैंने क्या कहा माइनस वन से वन प्लस समथिंग है, मतलब ये है माइनस वन से बड़ा, और माइनस वन से बड़ा का मतलब हो गया अगर ये नंबर लाइन माइनस वन या जीरो हो गया तो माइनस वन से बड़ा कुछ इधर 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 कहीं आपका यहाँ पे माइनस वन प्लस एच स्क्वायर होगा, और इसकी जब ग्रेटेस्ट लिमिट इंटीजर लगाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे लगाएंगे तो वैल्यू जस्ट पीछे वाली इंटीजर माइनस वन दे जाएगा, मतलब क्या दे गया एच टेंडिंग टू जीरो, माइनस वन प्लस एच स्क्वायर सॉरी माइनस वन प्लस, तो इसकी वैल्यू सीधे माइनस वन हो गया, प्लस वन अपॉन एच हो गया। अभी देखो लिमिट नहीं पुट किया गया है, लिमिट में ऐसा बहुत सवाल आया था, ये डायरेक्ट वैल्यू आ गया, तो जीरो अपॉन एच इसकी वैल्यू जीरो हो गई, अब जाके तो वैल्यू जीरो हो गई, यानी एलएचडी की वैल्यू आ गई आपकी इनफाइनाइट, जबकि आरएचडी की क्या वैल्यू आ गई आपकी जीरो। बोलो डिफरेंशिएबल या नॉट डिफरेंशिएबल, तो आंसर आया नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूटी के बारे में क्या ख्याल है, नहीं कह सकते, नहीं बता सकते कंटिन्यूटी, क्योंकि एक इनफाइनाइट आ चुका है, एलएचडी आरएचडी में से एक वैल्यू इनफाइनाइट आ गया है, तो हम नहीं बता सकते कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हमने किस पे निकाल लिया, वन पे निकाला, और किस पे निकाला, हाफ पे निकाला। आपको किस पे निकालना है, ये आपको खुद निकालना है, डू योर सेल्फ, ऐसे ही बिल्कुल एक एक चीज, बस आपको यह ध्यान देना है कि मेरे इस वाली बात को ध्यान देना है कि माइनस वन प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन मैं कैसे लिखाऊं, यही सबसे काम की बात है। और मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर से घबराया नहीं हूं, यहां पे देखो मैं पूरा उसको सॉल्व किया हूं, इत्मीनान से प्यार से सॉल्व करो, सब कुछ दे जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है, आप बस करते जाओ, कहीं पे आप बस बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के रखो, करते जाओ, कहीं पे मत आप रुको, देखो आपका सब चीज क्लियर होता जाएगा, और जहां पे रुके वहां पे क्लियरली खोल खोल के ओपन करके देखो कि हाँ ये चीज यहां पे कैसे बनेगी। बात पकड़ में आ रही है, चलो ठीक है।